नाम हुआ सर आपका? चित्रंजन दे। चित्रंजन दे। तो चित्रंजन सर, अभी हम बात करने वाले हैं एक सिस्टम के बारे में, और सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स। और सिस्टम के जो क्रिएटर है वो मिस्टर लाडो सर है, जो कि रसिया के रहने वाले हैं। और ये सिस्टम लॉन्च हुआ था 28 जून 2022 को, लगभग 20 महीने हो चुके हैं। और इस 20 महीने में 17 लाख से प्लस लोग पूरे वर्ल्ड से ज्वाइन है। 180 करोड़ डॉलर का बिजनेस लोगों ने कमाया है पैसा, यानी इसको इंडियन करेंसी में बात करें तो 18,000 करोड़ रुपये होता है। एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो लोगों ने कमाया। अब क्या खासियत है सिस्टम की, लोग इतनी कम टाइम में इतना बड़ा पेआउट बनाया? तो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिला, पहला ब्लॉकचेन और दूसरा डिसेंट्रलाइज, जो आपको शायद नया लग रहा होगा। इससे पहले कोई सुने ब्लॉकचेन के बारे में? শুনেছো ব্লকচেইনের ব্যাপারে কোনো কিছু? না। বিটকয়েনের ব্যাপারে শুনেছো? বিটকয়েন জানো? হ্যাঁ বিটকয়েন। থ্যাঙ্ক ইউ। তো যে বিটকয়েন কাম করতে হয় না, এই বিটকয়েন ব্লকচেইন কে উপর হি কাম করতে হয়, ঠিক হে। ব্লকচেইন এক তরিকে কা মাধ্যম হে, আপ সিম্পল ভাষা মে সমঝে তো, জেসে রোড হে, তো রোড পে সেকড়ো গাড়িয়া চলতি হে, লেকিন গাড়ি চলনে কে লিয়ে রোড তো চাহিয়ে না, ট্রেন কো চলনে কে লিয়ে পটরি চাহিয়ে, উসি তরিকে সে ক্রিপ্টো কো চলনে কে লিয়ে ব্লকচেইন চাহিয়ে। আর ক্রিপ্টো কে সাথ কই অভি অ্যাডভান্স প্রোডাক্ট হে, জো উসকো চলনে কে লিয়ে এক ব্লকচেইন চাহিয়ে, ও মাধ্যম হে। তো উসি তরিকে সে এ টেকনোলজি হে, আর জো ভি ক্রিপ্টো চলতা হে ইয়া ক্রিপ্টো সে রিলেটেড জিতনে ভি প্রজেক্ট পসিবল হে, সব ব্লকচেইন পে চলতা হে, এক বার অ্যাডভান্স টেকনোলজি হে। অভি ব্লকচেইন इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की आईडी चेक कर सकते हैं कि कौन कितना कमाया, कब कमाया। आप पूरी सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि सिस्टम में क्या चल रही है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ है। लेकिन आप किसी अदर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ कंपनी का बायोडाटा आप नहीं रख सकते थे कि कंपनी का टर्नओवर क्या हुआ, आज कंपनी में कितनी ज्वाइनिंग आई, ये सब डाटा नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे हर एक डाटा आप ले सकते हैं और किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये पहली नंबर चीज़ें हुआ कि ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरी नंबर चीज़ें ब्लॉकचेन का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए ये है कि ये ऑटोमेटिक रनिंग सिस्टम है, कोई कंट्रोल इसको नहीं कर सकता है। दूसरी नंबर चीज़ें इसमें जो भी डाटा है उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको फेक स्क्रीनशॉट या डाटा एडिट करके नहीं दिखा सकता कि हमने ये कमाया वो कमाया, यहाँ तक कि क्रिएटर भी एडिटिंग नहीं कर सकता है इसमें जो सिस्टम को डिजाइन किया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है हमारे लिए, ठीक है। और ये ग्लोबली चलता है, ये सिर्फ ना कि ये मेटाफोर्स में ही ब्लॉकचेन नहीं है, ये पूरी दुनिया में यूज हो रहा है और बड़े स्तर पे यूज हो रहा है और अलग अलग जगहों पे ब्लॉकचेन को यूज किया जा रहा है, राइट। अब दूसरी नंबर चीज है ये डिसेंट्रलाइज। ये डिसेंट्रलाइज को समझना बहुत ही जरूरी है। अभी ये डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हम समझेंगे सेंट्रलाइज को। ये दो सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज का सिंपल मतलब, अभी आपने जितनी भी कंपनियां किया उसमें एमडी सिम भी होते हैं, जिनके पास पूरी सिस्टम की बागडोर का कमान होता है, वो जब चाहे सिस्टम में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। एंड उनके पास कंट्रोलिंग पावर है। लेकिन उसी के अपोजिट एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जहाँ पे क्रिएटर उस सिस्टम को डिजाइन करता है लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज कर देता है, उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस की तरह उसे डिसेंट्रलाइज करता है, तो जो उसके हाथ की जो कंट्रोलिंग पावर होता है उससे निकल जाता है। अब कंट्रोलिंग पावर निकल जाने से फायदा एक लीडर को क्या होता है उसको समझते हैं। अब डिसेंट्रलाइज में सबसे बड़ी बेनिफिट है कि सिस्टम चाहकर कंपनी को कभी ना बंद नहीं कर सकता है, कभी सिस्टम को चाहकर भी बंद नहीं कर पाएंगे, कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन पे चल रहा है और ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक रनिंग है। ये पूरी ग्लोबली के लिए है, ना कि केवल मेटाफोर्स के लिए ब्लॉकचेन है, ये पूरा ग्लोबली यूज होता है, ठीक है। तो सिस्टम बंद होने का डर नहीं है, स्कैम आपके साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है आपकी आईडी सुरक्षित है। कई केस में क्या होता है, आप अलग अलग कंपनियों में काम किए, अच्छी टीम है आपकी, तो जब अपलाइन से अनबन हो जाता है या सिस्टम से कोई प्रॉब्लम हुआ तो सिस्टम आपके आईडी को ब्लॉक कर देता है, होता है ना। तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आपके आईडी के साथ कोई छेड़खानी कर दे।
तीसरी नंबर चीज है यहाँ आपकी टीम सुरक्षित है। कई केसेस में क्या होता है, जब आप अदर अदर कंपनी में काम किए हैं, टीम को काट करके दूसरा टीम बना लिया जाता है। अपलाइन भी काम करते हैं, उसके टीम को उठाया काटा और हम क्या कर सकते हैं, वहीं से पॉसिबल नहीं है। और चौथी नंबर चीज है आपके पेमेंट को कभी होल्ड नहीं किया जा सकता है। अदर कंपनियों में क्या है, आप उस कंपनी को छोड़ दिए किसी कारणवश, वो कंपनी पेमेंट देना बंद कर देता है, भले आपका काम टीम चल रहा हो, फिर भी किसी कारण अगर आपने छोड़ दिया आपका टीम चल रहा, फिर भी आप एक रुपये नहीं कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये डिसेंट्रलाइज है। आप काम करें या ना करें, अगर आपका टीम काम कर रहा है, आपको पेमेंट आना है तो आना है, राइट। ये डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी हम पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज का फायदा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिरकार मेटाकोर्स इतना बेहतरीन और यूनिक है कैसे। तो सबसे पहले नंबर चीज है मेटाकोर्स में सर अपलाइन एंड क्रॉस लाइन इनकम आती है, यानी आप तो अपने टीम से पैसे बनाते ही बनाते हैं, लेकिन अपने टीम के साथ साथ आप अपलाइन से और अपलाइन की साइड लाइन वहां से भी पैसे बनाते हैं। अभी तक शायद नहीं बनाए होंगे अपलाइन से पैसे, ऐसा कंसेप्ट नहीं मिला होगा, राइट? मिला था ऐसा? थैंक यू। ऊपर अपलाइन थे कोनो दिन इनकम कमी चलन सर कोनो दिन ना, किंतु এখানে কামাব আমি তো পুছা না যে ऐसे कैसे हो सकता है जो मेरा से सबसे मेरा ही अभी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उसका दूसरा फ्लैग से उसका अपलाइन से कैसे आ अभी 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 मैं करके मास्टर राइट अभी मैं क्लियर करूंगा। आसुची सर, आसुची एडी सब आसुची, यहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा सा आवाज उसमें कम है, अपलोड कर दिया जाएगा लोगों के लिए। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। अब जैसे मान लें किसी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, 1 लाख का बिजनेस आपके टीम से आता है, तो 70,000 से लेकर 80,000 रुपया कंपनी अपने पास रखती है, क्या सही है? प्रोडक्ट के लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, यानी बिजनेस आपने लाया 1 लाख का, लेकिन कंपनी ने 70,000 से 80,000 रुपया अपने पास रख लिया और 20,000 रुपया लीडर के रूप में बढ़ता है, छोटा चेक बनता है। लेकिन ब्लॉकचेन का आने की वजह से फायदा ये हुआ कि 1 लाख का बिजनेस अगर आप लाते हैं तो पूरा का पूरा पैसा टीम में ही बढ़ जाता है। अब टीम में बटने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि टीम में ही तो पूरा पैसा गया ना, एक बड़ा अमाउंट में चेक बनता है। अब सोचिए जहाँ 20,000 बट रहा है और जहाँ 1 लाख बट रहा है, डिफरेंस तो जमीन आसमान का होगा ना चेक में। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया, क्योंकि यहाँ ब्लॉकचेन काम करते हैं, यहाँ कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है, तो कोई खर्चा नहीं आ रहा है, कोई ऑफिस नहीं है, इसका ब्रांचेज नहीं है कि हमारा खर्चा आ रहा है, तो कोई खर्चा नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा पैसा बट जाता है। जो व्यक्ति आईडी लगाता है ना, वो ब्लॉकचेन का चार्ज दे देता है, सारा काम करने का प्रोसेस तो ब्लॉकचेन हमारा है, और ब्लॉकचेन को हम तो चार्ज पे कर दिए, तो जो व्यक्ति आईडी लगाता है वो ब्लॉकचेन का चार्ज पे कर देता है और सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर सिस्टम के जो क्रिएटर है लाडो सर, उनको क्या बेनिफिट सिस्टम चलाने में, जब सब पैसा बढ़ दिए जा रहे हैं, राइट? तो सर जिस तरीके से हम और आप एक छोटी नेटवर्क, अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक छोटा टीम लेकर मैं अभी तक 47 लाख रुपया कमाया हूँ 17 महीने में। तो सोचिए लाडो सर के पास एक बहुत बड़ी विशाल नेटवर्क है, तो कितनी बड़ी अमाउंट कमाए होंगे, क्योंकि उन्हीं के नीचे तो पूरी टीम डिजाइन है ना, तो एक लीडर की तरह उनकी भी आईडी लगा हुआ है और उनके नीचे लाखों की टीम है, पूरी 16-17 लाख की टीम उन्हीं की है, तो एक बहुत बड़ी इनकम वहां से वो जनरेट करते हैं। डाउट क्लियर? ठीक है। तो इसकी पहली खूबसूरती अप्लायंस इनकम, दूसरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आपका सिंगल लाइन चल रहा है, डबल लाइन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनकम आएगी। कई कंपनियों में क्या है, एक लाइन आपका बहुत बड़ा हो जाता है, बाकी लाइनें छोटी है, तो आप चेक नहीं बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट मिलता है आपको, तुरंत का तुरंत पेमेंट, आपको वेट एंड वॉच नहीं करना है, अभी आईडी लगाएंगे तुरंत पेमेंट मिलेगा। पेमेंट डॉलर में मिलता है और डॉलर को आप इंडियन करेंसी में 5-10 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? इसकी पांचवा और सबसे बेहतरीन खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपकी पुरानी टीम है या नई टीम है, हर कोई हर हमेशा आपको पैसा बनवाएगा। जो पुरानी टीम है, जैसे प्रोडक्ट बेस में क्या है, रिपर्चेज हुआ तो इनकम आया, नहीं रिपर्चेज आया तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे रिपर्चेज नहीं, उससे कई गुना ज्यादा, जितने पुराने लीडर आपके होते जाते हैं वो बड़े अमाउंट पे चेक कमवाते जाते हैं और हर महीना कमवाते हैं, यानी आपकी पूरी टीम मल्टीपल टाइम इनकम करवाता है,
यानी हम गिनती करके भी नहीं बता सकते कि 10 बार कमाएगा या 15 बार कमाएगा, ये मतलब इतना ज्यादा वो कमाता है, ठीक है। तो टीम से मल्टीपल इनकम आता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक खूबसूरती है, राइट। अब चलते हैं कुछ आगे, डिस्कस करते हैं प्लान के बारे में। तो मेटापोस्टनसर ये इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, मतलब एक साथ में कई सिस्टम होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे सुपरमार्केट की तरह लीजिए, सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो जो चाहिए आपको वो मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल 16 प्रोजेक्ट, ठीक है, और सब प्रोजेक्ट अलग अलग है, लेकिन सभी के सभी ब्लॉकचेन पे आधारित ही मिलेंगे, आपको फिजिकल नहीं मिलेगा। अभी 16 प्रोजेक्ट में 4 प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। और इस 4 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट अभी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 3 प्रोजेक्ट पैसा दे रहा है, और जहाँ से लोग इतना खतरनाक इनकम अभी तक कमाया है 18,000 करोड़ रुपया। अब इस 3 प्रोजेक्ट जो पैसा दे रहा है, एक प्रोजेक्ट अभी वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी रिटर्न देने वाला है। अब बात करते हैं हम इन प्रोजेक्टों की। तो सबसे पहला इस, और अभी 12 प्रोजेक्ट आना बाकी है, ठीक है। अब 12 प्रोजेक्ट आना बाकी है, इसका मतलब ये हुआ कि 25% लंच हुआ है सिस्टम, अभी 100% लंच होना सिस्टम का बाकी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट है, अब इस 4 प्रोजेक्ट को समझते हैं। पहला इसका जो प्रोजेक्ट है वो है टेक्टाइल, इसका दूसरा प्रोजेक्ट है रॉयल्टी, रॉयल्टी भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है यूनाइट वर्स, और इसका जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है फोर्स क्वाइन, ठीक है। ये 4 प्रोजेक्ट है जिसमें से अभी ये फोर्स क्वाइन अभी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन बीट क्वाइन की तरह ये भी एक बहुत बड़ी रिटर्न देने वाला है, लेकिन ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट अभी के डेट में हमें इनकम दे रहा है। अब इसी तीनों प्रोजेक्ट को समझ लें। अभी यहाँ पे एक सबसे बड़ी खूबसूरती है सर कि मेटापोर्स MLM प्लान नहीं है। अब बोलेंगे सर टीम तो बनानी है, लेकिन मैं बोलता हूँ MLM प्लान नहीं है, बिकॉज बिना टीम के भी अगर पैसे बनाया जा सके तो MLM नहीं हो सकता। MLM का सिंपल मतलब है टीम है तो पैसा है, टीम नहीं है तो कोई पैसा नहीं। लेकिन यहाँ विदाउट टीम के भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर टीम कर रहे हैं वो तो सदाबहार है, टीम वालों के लिए सदाबहार है। अब यहाँ पे क्या है आप उसको समझिए। अब ये जो टेक्टाइल इनकम है ये टीम के वजह से ही इनकम यहाँ पे होता है, ठीक है। ये रॉयल्टी इनकम है केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इनकम है, यानी यहाँ पे टीम एक लोग का भी नहीं होगा फिर भी वो व्यक्ति रॉयल्टी कमा सकता है। ये यूनाइट वर्स प्रोग्राम है, यहाँ पे भी आपको टीम चाहिए तभी आप पैसे बनाइएगा। लेकिन ये फोर्स क्वाइन है, यहाँ पे टीम से भी पैसे बनाएंगे और साथ में आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न भी कमाएंगे। यानी हमारे पास में दोनों अपॉर्चुनिटी है, हम अगर टीम बनाते हैं तो भी पैसे कमा रहे हैं, नहीं बनाते हैं फिर भी पैसे कमा रहे हैं। अगर टीम नहीं बनाते हैं तो हमारे पास भाई पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ठीक है। अब ये चारों प्रोजेक्ट को हम समझते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम रॉयल्टी क्लियर कर देते हैं। रॉयल्टी अगर क्वालिफाइड करना है तो 4 लाख रुपया लगता है, और 4 लाख में आप रॉयल्टी क्वालिफाइड कर जाते हैं, और इस बिजनेस के सबसे लोएस्ट रॉयल्टी को आप क्वालिफाइड करते हैं, और जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको आजीवन मिलता रहेगा, जब तक सिस्टम चलेगा तब तक आपको मिलता रहेगा 4 लाख रुपया, ठीक है। और लगभग 5,000 के आसपास में अभी क्रेडिट में रॉयल्टी इनकम एवरी मंथ आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम का सोर्स रॉयल्टी का बढ़ जाएगा, राइट। इसका दूसरा प्रोग्राम यूनाइट वर्स है, तो ये टीम के थ्रू ही आता है, ये बिना टीम के आप कमा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्स क्वाइन है ये बीट क्वाइन की तरह है, जैसे बीट क्वाइन में 2009 में बीट क्वाइन लॉन्च हुआ था लगभग 1 रुपया का रेट था, 1 से भी कम था, फिर भी मैं 1 रुपया मानता हूँ। अगर सोचिए 2009 में अगर आप 1,000 रुपया भी लगाए होते और कोई समझाया होता कि भाई ये बिटकॉइन आने वाले टाइम में लाखों का जाने वाला है, और आपको यकीन दिलाया होता कि आने वाले कुछ सालों के बाद में यही 1 रुपए का चीज आने वाला टाइम में 62 लाख रुपए में बिकेगा, तो क्या आप लगाए होते या पैसा या नहीं लगाए होते? इनके पास बहुत सारे बिटकॉइन है, इन्होंने खरीद करके रखे हैं, ठीक है, शायद आप जरूर लगाए होते। उसी तरीके से सेम
यहाँ पे फोर्स क्वाइन है, बिटकॉइन के जो डेका हालिंग प्रोसेस है उसी के ऊपर ये भी काम करता है। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के डेट में 22 रुपए से शुरू हुआ था ये अप्रैल 2022 में, ठीक है, 23 में, अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था 22 रुपए से, और ये 22 रुपए की चीज 135 रुपया अभी तक कीमत हो चुका है। तो कोई सिंपल अगर पैसा लगाया होता तो लगभग 6 गुने का रिटर्न अभी तक आ चुका है, और आने वाले टाइम में ये 1000 गुना से ज्यादा का भी रिटर्न देने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना सकते हैं, कोई टीम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो टीम बना रहा है उसके लिए सदाबहार सिस्टम है, वो खतरनाक इनकम कमाएगा भाई। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन टीम वाले सबसे आगे रहेंगे, ये डन है, ठीक है। अब टेक्सटाइल प्रोग्राम, इसका बेस्ट प्रोजेक्ट है टेक्सटाइल प्रोग्राम। बिजनेस को 6 लेवल के साथ शुरू करते, राइट, ठीक है। तो 30,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और केवल 5 लोगों की टीम बनाते हैं, चाहे वो आपके काम करने से हो या आपके अपलाइन के काम करने से हो। अगर 5 लोगों का टीम आप बनाते हैं तो आपका चेक 1,05,000 रुपए का होता है। लेकिन ये टोटल बिजनेस कितना दिए आप, 1.5 लाख का बिजनेस दिए, 1,05,000 का चेक आपका बन गया, 45,000 का चेक आपके अपलाइन का बनता है। अब बताइए प्रोडक्ट बेस में 1.5 लाख का अगर बिजनेस आप देते थे तो कितने का चेक आपका बनता, मुश्किल से 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 10,000 नहीं जाता है जल्दी। लेकिन यहाँ पे आपने 1.5 लाख का बिजनेस दिया, 1,05,000 रुपए आपका मांगे, बचा अमाउंट आपका अपलाइन का मांगे। अगर आप इसे 5 लेवल से करते हैं यानी 15,000 रुपए से, तो 5 लोगों का टीम बनाते हैं तो आपका 46,000 रुपए का चेक बनता है। 75,000 का बिजनेस दिए, 46,000 रुपए का मांगे, ये इसका बिजनेस प्लान। आप 4 लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, 4 लेवल से शुरू करेंगे तो 7,000 रुपये लगेगा, 5 लोगों का टीम बनाएंगे तो 23,000 रुपये कमाएंगे। यानी जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा इनकम, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिटर्न, ठीक है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, और प्लस में आप फोर्स पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि फोर्स पॉइंट आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया 1,000 गुना का ज़्यादा का रिटर्न देने वाला है। अभी 5 गुना तक का रिटर्न दे दिया है, तो अभी आपको ना $100 34 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ना $100 में भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप फोर्स कॉइन एड ऑन कर लीजिएगा। तो आप फोर्स कॉइन एड ऑन करके अगर बात करें तो अगर आप 6 लेवल इसमें और $100 फोर्स कॉइन को लेते हैं तो आपको यहाँ पे $315 खर्चा होता है, और $100 ये यानी $415 होता है, और $415 को अगर 94 से गुना कर ले तो लगभग 38,000-39,000 रुपया का होता है। तो इसमें 3-6 लेवल आपका ये हो जाएगा, और एक फोर्स पॉइंट भी हो जाएगा। आप इससे भी जा सकते हैं, आप 5 लेवल से भी जा सकते हैं, $255, ठीक है, $255। नहीं तो आप 4 लेवल से जा सकते हैं जिसमें आपका खर्चा होगा $175। इंडियन करेंसी में $175 की अगर बात करें तो लगभग 16,500 रुपया होता है, और अगर 5 लेवल से बात करें तो इसका 25,000 के आसपास में रुपया होता है, ठीक है, ठीक है। तो जितने बड़े लेवल से जाएंगे उतना बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, राइट। तो ये इसका बिजनेस प्लान है, फोर्स कॉइन का अलग बिजनेस प्लान है। यहाँ पे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है सर, तो ले लीजिएगा आप, लेकर चले जाइएगा, ठीक है, आप लेकर चले जाइएगा। जो हमारा बिजनेस प्लान है ना, ठीक है ना, ये सभी प्रोजेक्ट में ना आपको 16 प्लान भी मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके का प्लान मिलेगा। यानी मार्केट में आप जितने भी प्लान देख रहे हैं अभी के डेट में, कोई बाइनरी पे काम कर रहे हैं, कोई जनरेशन पे काम कर रहे हैं, कोई लेवल प्लान पे काम कर रहे हैं, कोई परसेंटेज प्लान पे काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में टीम तो आप एक ही जगह बना रहे हैं, लेकिन वो टीम जब अलग अलग प्रोजेक्ट में एंट्री करता है ना तो वहाँ अलग अलग प्लान आपको मिलेगा। यानी आपको प्रोजेक्ट भी खतरनाक, अलग अलग प्रोजेक्ट भी मिलेगी और अलग अलग बिजनेस प्लान भी मिलेगा। यानी एक ही सिस्टम में प्रोजेक्ट भी मल्टीपल और प्लान भी मल्टीपल, यानी समझिए एक ही प्रोजेक्ट में आप सब चीज का मजा ले रहे हैं ना। आप इन्वेस्टमेंट वाले लोग को भी ला रहे हैं, आप नेटवर्कर को भी ला रहे हैं, आप हर प्रोजेक्ट का भी मजा ले रहे हैं और हर बिजनेस प्लान का भी मजा ले रहे हैं। इससे बड़ा चीज हो कह सकते हैं, अब आप बताइए।
ना कोई कंडीशन है, ना कुछ मेंटेन करना है, कुछ नहीं, पूरा ओपन टू ऑल है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप सेफ है, सुरक्षित है, इससे बड़ा क्या चाहिए एक नेटवर्कर के लिए? क्या चाहिए? हम सेफ हो, सुरक्षित हो, मेरा टीम सुरक्षित हो, और पैसा हम भी कमाए, हमारा टीम भी कमाए, यही तो चाहिए, और ये तो मिल रहे हैं ना आपको। अब बताइए, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच।